देखिए, मृत्यु के समय ये सब हमारे इंटरप्रिटेशन है कि क्या होता है। बेसिक चीज़ है कौन स्ट्रांग है कौन स्ट्रांग नहीं है, ये सब भी हमारे इंटरप्रिटेशन है। ज़िंदगी में हम अपने किस्म के इंटरप्रिटेशंस में रहते हैं, और हकीकत यह है कोई भी किसी के अंदर उतर के ये नहीं जानता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हम उसको देखते हैं स्ट्रांग तो हमको स्ट्रांग लगता है, हम किसी को वीक देखते हैं तो हमको वो वीक लगता है, लेकिन वो सचमुच में क्या है ये तो उसके अंदर ही चल रहा होता है। इसीलिए कोई किसी के अंदर जाकर कुछ भी नहीं जानता। दूसरी चीज़ है कि जन्म और मृत्यु अगर दो ध्रुव हैं अगर समझा जाए, तो जाहिर सी बात है इन इस प्रोसेस में कुछ तो ऐसा गहरा मिस्टीरियस ज़रूर घटता होगा। हम इसको कंसेप्ट की तरह भी अज्यूम करें तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि घटना तो बड़ी है कि अब ये जीवन का विसर्जन होने जा रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। इतनी बड़ी घटना, अस्तित्व से एक लहर उठी थी, अपनी यात्रा में गई और वो फिर अब डूबने को है, तो कुछ तो ऐसा होता होगा उस प्रोसेस में जो बहुत अंतर लाता होगा और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह के प्रभाव वो पैदा कर सकता है। भय के हो सकते हैं प्रभाव, शांति ठहराव, बेचैनी, भावुकता, किसी भी तरह के प्रभाव हो सकते हैं। अब ये सारे जो प्रभाव हैं ये व्यक्ति की अपनी अपनी कंडीशनिंग से पैदा होते हैं, अपनी अपनी कंडीशनिंग का वहाँ पर रोल होता है। क्योंकि जाते समय कहीं अंतर मन में इतना एहसास तो होने लगता है तमाम लोगों को, इंट्यूटिव फीलिंग कि अब मैं जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो पकड़ उनकी थी अब वो जा रही होती है, तो उस पकड़ के जाने पर तमाम तरह की भावनाएं उपज सकती हैं। और ख़ास तौर से जो लोग अपने को बहुत स्ट्रांग बनाकर चल रहे होते हैं, अक्सर देखा गया है वो बहुत इमोशनल और वैसे देखे जाते हैं, क्योंकि वो उतने स्ट्रांग थे नहीं, वो अपने को छुपाने के लिए वो चेहरा बनाए हुए थे वैसा, और लोगों के प्रति उनकी वास्तविक भावनाएं निकल कर आने लगती हैं कि किसी को मान लीजिए चाहते रहे मानते रहे जीवन में नहीं कह पाए, तो उस समय उनके अंदर से वो चीज़ें निकलेंगी। लेकिन यहाँ पर फिर एक कंडीशनिंग का ही पैटर्न है, सबके अंदर अलग अलग रहेगा, एक जैसा किसी का नहीं रहेगा। कोई आदमी बहुत क्लेवरनेस से और बहुत चालाकी से जीता रहा है, उसी कंडीशनिंग उसके ऊपर वही हावी है, तो वो कंडीशनिंग देखिए एक तरह की पैकिंग है जो हट रही है टूट रही है, तो जाते जाते भी उसके अंदर वही पैकिंग रहेगी। तमाम लोग ऐसे हैं जाते जाते भी वो तमाम चालाकियाँ करके ही जाते हैं, यानी कि बाद के लोगों को ही उसे निपटाना पड़ता है। तो वो जो उसकी पुरानी कंडीशनिंग थी वो उसके ऊपर हावी होकर व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है, क्या निकलेगा वो अनफोल्ड होता है। लेकिन जो मेडिटेटर रहा है और जिसने बहुत अपनी अच्छी ध्यानपूर्ण ज़िंदगी जी है, उसका सिम्टम क्या है? उसका सिम्टम ये है कि उसके अंदर बाहर का जो दर्द है तकलीफ़ है वो तो अपनी जगह है। जैसे मान लीजिए बीमारी है, तो बीमारी में कोई कहे कि जॉयफुल, तो वो ऐसा जॉयफुल नहीं है कि बीमारी में नाच रहा है और म्यूजिक लगाया है और सब कर रहा है, ये तो सब बेवकूफ़ियाँ हैं। बीमारी में जो तकलीफ़ है उसको होगी, कष्ट है वो होगा, लेकिन कहीं डीप डाउन उसको बहुत सेटलमेंट और शांति है। क्योंकि अल्टीमेटली जब वो लहर, आप कल्पना भी करिए अगर हम लहर की उदाहरण से देखें, वो फिर अपने सोर्स में लौट रही है, तो ये जॉयफुल होना चाहिए। अध्यात्म भी इसकी बात करता है, अपने घर लौटने जैसा एहसास होता है। तो कई लोग जो गहरे ध्यानपूर्ण अवस्था के होते हैं, जब उनके सामने मृत्यु होती है तो वो अंदर बड़े ही सेटल्ड और एक अननोन सा जॉय उनको पकड़ता है, और यही मैं समझता हूँ उनकी पहचान भी, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान ही यही है कि वो कितना गहरे गया है। बाहर की सतह की जो भी उठा पटक है वो अपनी जगह रह जाएगी, लेकिन अपने अंदर वो अब एक गहरी शांति में उतर गया है, क्योंकि अब ये लहर जो उठी थी जा रही है, काम खत्म हुआ, फिर से अपने सोर्स में लौटने का वक्त आया, तो कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता।